नमस्कार मित्रों, 31 मैजिकल पॉइंट में हमने स्ट्रीम पॉइंट के बारे में हमने लिया था 31 पॉइंट में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको और कुछ भी दे दूँ साथ में। तो जो स्ट्रीम पॉइंट जो है, यहाँ से आपने राइट डाउन करना है, लिखना है कि ये जो 5 शू पॉइंट्स है, 60 बिंदु, ये हमारे 12 ऑर्गन से रिलेटेड है, जो कि हमारे 12 मेरिडियन भी है, जो मानव शरीर है, और ये पंचमहाभूत जो है, 5 एलिमेंट जो है, आकाश जल वायु पृथ्वी अग्नि, इन 12 मेरिडियंस पर, इन 12 मेरिडियंस पर अपने अपने बिंदु का एक एक पॉइंट है। साथ ही साथ में मतलब एलाई मेरिडियन पे, एलाई मेरिडियन जो है वह मेटल की मेरिडियन है, तो मेटल का इसका अपना भी एक पॉइंट है, साथ में 5 एलिमेंट्स के भी पॉइंट है। अगर किसी भी ऑर्गन में या किसी भी मेरिडियन में अगर कोई भी तत्व इनबैलेंस हो रहा है, जैसे एलाई मेरिडियन में मेटल हो रहा है, या वाटर इनबैलेंस हो रहा है, या वुड इनबैलेंस हो रहा है, या फायर इनबैलेंस हो रहा है, या अर्थ इनबैलेंस हो रहा है, तो हम उस बिंदुओं को ले सकते हैं। तो आपने यहाँ से जो लिखने का जो काम करना है वो ये है कि पहले हम स्ट्रीम पॉइंट के बारे में ही सोच रहे थे कि हमारा जो प्रोटोकॉल है उसमें हम सिर्फ स्प्रिंग पॉइंट लेंगे, लेकिन हम सारे ही बिंदु लेंगे। 60 बिंदु की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, तो आप अपने सुविधा से प्रोटोकॉल में उन बिंदुओं को चुन सकेंगे। तो सबसे पहले हमने जो सीखा था यहाँ पे, वो सीखा था जिंगवेल पॉइंट। जो जिंगवेल पॉइंट है, इनका उपयोग क्या होगा कि एक्यूट इमरजेंसी जब भी आती है, एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं यहां पे कि जब भी अगर आप इसके सिंगल पॉइंट्स भी अगर यूज कर रहे हैं तो भी आपको लाभकारी होगा। मतलब आपको एक तरीके से ये 31 पॉइंट तो हो ही चुका है, साथ साथ में यह आपका एक पूरा प्रोटोकॉल भी बनेगा, साथ ही साथ जितने भी बिंदु हमने सीखे हैं उन सारे बिंदुओं का उपयोग आप सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट में भी कर सकते हैं। अगर एक्यूट इमरजेंसी में हमारे पास जो जिंगवेल पॉइंट है, एक लाइन से जिंगवेल पॉइंट आपके पास में है, ये सारे जिंगवेल पॉइंट है, ये सारे इन स्प्रिंग पॉइंट है, यूंग स्प्रिंग पॉइंट है, ये सारे शू स्ट्रीम पॉइंट है, ये सारे जिंग रिवर पॉइंट है, और ये सारे हेसी पॉइंट है, तो इनका उपयोग हमको कैसे करना है ये भी मैं आपको इसमें कवर कर लेता हूँ। एक्स्ट्रा है, ये कोर्स में नहीं है हमारे। एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेंगे यहाँ पे कि बेशुद्ध हो गया कोई व्यक्ति, तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, मिर्गी का अटैक आ गया, पैरालिसिस का अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, अब बिंदु कौन सा लेना है, तो आपको एनाटॉमी का स्टडी करना चाहिए। जैसे अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हार्ट का जिंग रिवर पॉइंट हम लेंगे, H9 लेंगे, अगर H9 ले सकते P9 ले सकते, PC9 ले सकते। अगर लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम लंग्स का 11 नंबर का पॉइंट ले सकते। अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम पेरिकार्डियम का पॉइंट ले सकते, साथ ही साथ हम ट्रिपल वार्मर का भी पॉइंट ले सकते। तो इस तरीके से कौन सा ऑर्गन हमारे कौन से सिस्टम पर वर्क करता है, इसका स्टडी आपको करना पड़ेगा। हम लोग भी एक तैयारी कर रहे हैं कि हम एक बेसिक एनाटॉमी का एक वर्कशॉप अरेंज करें, ताकि जो नए लोग हैं उनको बीमारियां समझने में आसानी हो। नंबर 2 जो है वह है यूंग स्प्रिंग पॉइंट।
यूंग स्प्रिंग, ये वाले पॉइंट यूंग स्प्रिंग पॉइंट। सेकंड नंबर पे जो है कहीं पे आपको यिंग वाई आई एन जी भी दिखेगा और वाई यू एन जी भी दिखेगा, वाई आई एन जी यिंग स्प्रिंग भी दिखेगा और यूंग स्प्रिंग भी दिखेगा। तो ये जो बिंदु है यूंग स्प्रिंग के जो सारे पॉइंट्स है, ये पॉइंट फीवर, गर्मी या ठंड से रिलेटेड जब बुखार हो, जैसे एग्जांपल, जैसे फीवर, रेड टंग, लाल जीभ, पित्त का प्रकोप, पित्त प्रकोप, पित्त हो जाए शरीर पर, ठंडा पदार्थ खाने की इच्छा। ठंडा पदार्थ तो शरीर के लिए हानिकारक ही होगा, तो ठंडा पदार्थ खाने की इच्छा, हाथ पैर में जलन, यूरिन कम या ज्यादा। मैं ये अगर आपको लिखा हुआ नहीं समझ रहा है तो मैं बोल भी रहा हूं साथ में, आप लिख सकते हैं बार बार वीडियो देखकर। प्यास का कम या ज्यादा होना, अगर यह प्रॉब्लम एक्यूट है तो यांग के बिंदु लेंगे हम, है ना, यांग मेरिडियन के बिंदु लेंगे। यहां पर ये यांग मेरिडियन के बिंदु लेंगे, हमने अलग अलग लिखवाए हैं, इनके भी अलग लिखवाए हैं। और अगर क्रॉनिक है तो इन लेंगे, ये बात हर इसमें चलेगी। तीसरा जो है जिसको हम सीख रहे थे शू स्ट्रीम पॉइंट जो है वह कौन से उपयोग में आएंगे हमारे, संधिवात आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, किसी भी प्रकार की एनर्जी लॉस। एक और मैं आपको इसमें आइडिया दे देता हूं कि इन बिंदुओं का चुनाव कैसे करना है। अब जैसे यहां पे हम तो बुखार वगैरह की बात कर ही रहे हैं, लेकिन अब जैसे ये शूस्ट्रीम पॉइंट है तो इसमें बताया गया है कि आर्थराइटिस हो गया, जॉइंट पेन हो गया, मतलब सारे बॉडी के जॉइंट्स पेन इसमें आएंगे, तो हमने बिंदु कौन सा चुनाव करना है। तो मेरिडियन ऑफ द पाथवे ऑफ द मेरिडियन आपने चूज करना है। मैं आपको पाथवे के वीडियो भिजवा देता हूं 12 मेरिडियन के, जिससे आपको पाथवे का मेरिडियन चुनने में भी आसानी हो जाएगी। तीसरा चौथा जो है हमारा वो है जिंग रिवर पॉइंट जो है यह हमारे श्वसन, मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। इसका कोई भी अगर प्रभाव दिख रहा है, इसमें कोल्ड कफ आ जाएगा, इसमें आप अपने बॉडी का जो
ठंड लग रही है तो वो आप कम कर सकेंगे जिंग रिवर पॉइंट से। तो ये आएगा इसमें कोल्ड कफ, अस्थमा, श्वसन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, एलर्जी आ जाएगी इसमें, एलर्जी का भी आप ये कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आएगा हमारा लास्ट पॉइंट आएंगे हेसी के, हेसी जैसा कि नाम है, इसमें जो बताया गया है कि जैसे उल्टा उल्टी प्रवाह में ऊर्जा का बहाव, जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे वमन उल्टी होना, हिकैप उचकी, हिकैप डकार आना, बार बार डकार आना, या गैसेस पास होना, गैसेस होना, या शिवरिंग होना, हाथ पैर कांपना। तो इन चीजों में आप ये 60 बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं। इसको कैसा हमने यूज करना है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अभी हम जो हमारा मेन ये है ताड़ी प्रोटोकॉल, ताड़ी मतलब हमने सबसे पहले सीखे थे ट्रैंक्सिलाइजर, मतलब शांतिदायक पॉइंट। दूसरे नंबर का हमारा ए है जो है एनालॉजिक पॉइंट, एनालॉजिक पॉइंट मतलब दर्दनाशक बिंदु। ये है D20 परमानेंट रहेगा, ये हरदम रहेगा। LI4 रहेगा, ST44 रहेगा। अपर लिम में, अपर बॉडी में तकलीफ है डायफ्राम के ऊपर तो हम LI4 को यूज करेंगे। दोनों बिंदुओं का हर बार यूज करेंगे। किसी भी प्रकार के दर्द में आप इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के एंजाइटी में, किसी भी प्रकार के सैडनेस में, किसी भी प्रकार के शरीर के इनबैलेंस में आप DU20 को यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार हमने डी डिस्टल पॉइंट देखे है जो कि 6 है। कौन कौन से है डिस्टल पॉइंट? LI4 है, P6 है, ST36 है, SP6 है, LU7 है और UB40 है। साथ में हमने इन्फ्लुएशनल पॉइंट देखे। इन्फ्लुएशनल पॉइंट जो है वो कौन से है? ये ताड़ी हमारा पूरा हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है LI3, SI3 एकदम इजी है याद करने में भी, ट्रिपल वार्मर 3, GB41, UB65, LIV3, SP3, KD3, PC7 और एक पॉइंट रह गया एल लंग्स का 9, 4, 8, 9, 10 क्या रह गया, हार्ट का 7 नंबर का पॉइंट, LI SI TW गॉल ब्लैडर, UV स्टमक का रह गया, स्टमक का 43 नंबर का पॉइंट। तो ये इन्फ्लेशनल पॉइंट है। इसमें आप प्लस हमने क्या सीखे, हमने पहले स्ट्रीम लिखे थे सिर्फ, अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, स्ट्रीम प्लस जिंग रिवर प्लस जिंग रिवर प्लस स्प्रिंग प्लस सी क्या रह गया, स्प्रिंग वाटर शू स्ट्रीम पॉइंट जिंग रिवर पॉइंट इन यूंग श्रिंग पॉइंट हेसी पॉइंट और क्या रह गया इसमें का, शू स्ट्रीम जिंग वेल जिंग रिवर
जिंग वेल पॉइंट रहेगा इसमें के, जिंग वेल। तो आपके पास में इतने बिंदु है, मतलब 60 बिंदु ये है, 6 बिंदु ये है, 2 बिंदु ये है और एक, मतलब 2 और एक 3 और 6 9 और 12 21, 21 और 60, मतलब आपके पास में ये 81 पॉइंट्स हो गए। इनको आप पर्सनली वन वन सिंगल पॉइंट में भी इसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हम दो चार एग्जांपल देख लेते हैं और हमारा ये जो वर्कशॉप है ये वर्कशॉप का आखिरी वीडियो होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम अगर होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हम कौन से चीज़ में कौन सी प्रोटोकॉल हम लगाए। तो हम इसमें जो सबसे पहले दो चार एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। जनरल देखते हैं हम, जैसे लंबर पेन, लंबर पेन हो रहा है तो हम क्या प्रोटोकॉल लगाएंगे। हमारा है TADI, ताड़ी। अब यहाँ पे स्ट्रीम पॉइंट को लेंगे हम, ताड़ी का DU20 और ए का दर्दनाशक पॉइंट LI4 और ST44। डिस्टल पॉइंट कौन सा लेंगे, लंबर पेन है लंबर का एरिया है तो UB40 पॉइंट लेंगे हम, UB40। आपने आपको जो मैंने लिख के दिया हूँ उसमें आप देख के याद कर ले अच्छी तरीके से, जो पॉइंट हमने लिखे है। इन्फ्लुएशनल पॉइंट कौन सा लेंगे हम, जॉइंट पेन में आएगा ना बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, तो UB11 लेंगे। और दूसरा एक पॉइंट और कौन सा है हमारे पास में, मसल्स एंड टेंडन्स पेन एंड लिगामेंट पेन, तो हम दो बिंदु लेंगे यहाँ पे UB11 एंड GB34, मसल्स एंड टेंडन का पॉइंट। और स्ट्रीम पॉइंट कौन सा लेंगे, स्ट्रीम पॉइंट हमने देखा अभी पढ़ा हमने कि किसी भी प्रकार के जॉइंट पेन में हम स्ट्रीम पॉइंट यूरिनरी ब्लैडर का लेंगे, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर लंबर के पास से गुजरती है, तो यूरिनरी ब्लैडर का 65 नंबर का पॉइंट ये। तो ये आपका प्रोटोकॉल होगा लंबर पेन के लिए। एक देखते हैं हम अभी माइग्रेन के लिए, अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप भी मुझे बाद में भेज सकते हैं। TA देखिए कितना आसान है प्रोटोकॉल बनाना, ताड़ी है ना, तो और इसमें स्ट्रीम पॉइंट लेंगे, ताड़ी का DU20 LI4 सरदर्द है ना तो ST44, डी का डिस्टल पॉइंट कौन सा लेंगे, ऊपर का हेड एरिया है तो LI4, अब ये डबल बिंदु आ गया तो एक ही बार लगाना होगा आपको। और ये क्या है, मसल पेन और टेंडन पेन, तो इन्फ्लुएशनल पॉइंट जो लेंगे हम वो कौन सा लेंगे, हम GB34 भी ले सकते और 39 भी ले सकते है ना, GB34 भी ले सकते और 39 भी ले सकते। स्ट्रीम पॉइंट कौन सा लेंगे यहाँ पे, GB41 लेंगे। क्यों लेंगे GB41, क्योंकि GB का जो एरिया है वो पूरा हमारे हेड को कवर करता है। मैं आपको एक इसका वीडियो भिजवा दूंगा, दांत दर्द, टूथ टूथेक, क्या लेंगे, TADI और स्ट्रीम पॉइंट, ये दो तो आपको याद ही है, DU20 LI4 और ST44। डिस्टल पॉइंट कौन सा लेंगे हम, यही वाला लेंगे LI4, क्योंकि एरिया कौन सा है हमने हमारे इसमें लिखा हुआ है वो डिस्टल पॉइंट के, इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इन्फ्लुएशनल पॉइंट कौन सा लेंगे, इन्फ्लुएशनल पॉइंट क्या लेंगे, जॉइंट पेन एंड बोन रिलेटेड, दांतों का जो कनेक्शन है वो किसके साथ है, बोन के साथ है, तो UB11। अब स्ट्रीम पॉइंट हमको चुनना पड़ेगा कि हमको कौन सा लेना है, मेरिडियन देखना पड़ेगा हमारे चेहरे पर से, ST मेरिडियन जाता है, LI मेरिडियन जाता है, तो कौन से मेरिडियन में है। हम स्टमक का 43 ले सकते, हम LI का 3 ले सकते, हम ST3 ले सकते, तो हमको कौन सा पॉइंट लेना है, सॉरी ST3 नहीं, तो इन बिंदुओं को इस तरीके से हम चुनाव करेंगे। साथ ही साथ में एक देखते हैं हम
एंजाइटी, एंजाइटी अवसाद, डिप्रेशन, है ना। क्या लेंगे इसमें? सबसे पहला पॉइंट लेंगे DU20। ये पॉइंट एकदम रामबाण, बढ़िया, सबसे बढ़िया एंजाइटी के लिए। पेन है क्या? नहीं, तो ये पॉइंट लेने की कोई जरूरत नहीं। फिर डिस्टल पॉइंट कौन सा लेंगे हम? डिस्टल पॉइंट कौन सा लेंगे? डिस्टल पॉइंट का हमारा चार्ट कहाँ पर है? चार्ट में हम देख के ये डिस्टल पॉइंट का हमने बनाए थे। तो डिस्टल पॉइंट जो है कौन सा लेंगे और क्यों लेंगे? डिस्टल पॉइंट फ्रंट साइड ऑफ द हेड ENT प्रॉब्लम के लिए है। कौन से एरिया से रिलेटेड है? अपर एब्डोमिन और इंडाइजेशन। हमारे खाने पीने के दृष्टिकोण से हम इसको ले सकते हैं। अवसाद का अगर आपको रीजन अगर पता है किस चीज से हो रहा है, इनको फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा है, मियां बीवी की वजह से हो रहा है, तो हम इसमें अलग अलग पॉइंट का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे हम जनरल ST36 लेते हैं। इन्फ्लुएशनल पॉइंट हम लेंगे GB39 और LIV30। क्यों लिया? इन्फ्लुएशनल पॉइंट 39 क्या है? बोन मैरो और ब्लड के सारे रिपोर्ट्स इसमें आएंगे 34 में, और लीवर के इसमें क्या आएंगे? सॉलिड ऑर्गन, सारे सॉलिड ऑर्गन आ जाएंगे हमारे, इसलिए हमने LIV30 और ये लिया। स्ट्रीम पॉइंट जो लिया हमने वो कौन सा लिया? कौन सा लेंगे स्ट्रीम पॉइंट? ST41 लेंगे। क्यों लेंगे ST41? क्योंकि ST41 जो है स्ट्रीम पॉइंट, हमने अभी स्ट्रीम का लिखा था ना, स्ट्रीम पॉइंट को हमने यहां क्या लिखा था? आर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन, किसी भी प्रकार की एनर्जी लॉस, किसी भी प्रकार की एनर्जी लॉस। अब आ रहा है समझ में? उसी प्रकार से अगर आपके पास में कोई भी और दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करें, हम यहां पर और देख लेते हैं। शुगर के लिए डायबिटीज, शुगर के लिए ट्रीटमेंट देखेंगे। टाड़ी का DU20, एनालजेसिक है नहीं पॉइंट। डिस्टल पॉइंट कौन सा लेंगे? ST36 लेंगे, डाइजेशन का, स्टमक रीजन का पॉइंट है। इन्फ्लुएशनल पॉइंट कौन सा लेंगे? LIV30। क्यों? क्योंकि सॉलिड ऑर्गन है। स्ट्रीम पॉइंट कौन सा लेंगे इसमें? स्प्लीन मेरिडियन जो है वो पेनक्रियास मेरिडियन भी कहा जाता है उसको, तो हम स्प्लीन मेरिडियन का लेंगे, SP3 नंबर का पॉइंट। एक हम बना लेते हैं यूरिन का प्रॉब्लम, यूरिन प्रॉब्लम क्या होगा? TDU20, एनालजेसिक नहीं है, स्प्लीन, डिस्टल पॉइंट कौन सा लेंगे हम? SP6। क्यों लिया SP6? क्योंकि जेनिटल ऑर्गन का पॉइंट है। इन्फ्लुएशनल पॉइंट कौन सा लेंगे? CV12 नंबर का पॉइंट। क्यों? हॉलो ऑर्गन है। उसके बाद में इसके स्ट्रीम पॉइंट कौन सा लेंगे? हमारे पास में यू भी सीधा सीधा है, यूरिनरी ब्लैडर का 65 नंबर का पॉइंट। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए एक और लिख लेते हैं हम। सर्वाइकल के लिए है ना, वही बात, DU20 ए दर्दनाशक पॉइंट, LI4, ST34 और डिस्टल पॉइंट कौन सा लेंगे? कौन सा एरिया आ रहा है? LU7 बैक साइड का एरिया। और इन्फ्लुएशनल पॉइंट कौन सा लेंगे? मसल्स एंड टेंडन पेन, GB34। स्ट्रीम पॉइंट कौन सा लेंगे? एरिया को देखेंगे, कौन सा? SI का भी एरिया हो सकता है, UB का भी हो सकता है। तो जब हम अब SI और UB में चुनाव कैसे? SI टाइप
सर्वाइकल और यूबी टाइप सर्वाइकल, जब हम यस कहते हैं, जब हम यस कहते हैं मतलब हमारे गर्दन ऊपर नीचे होता है तो यूबी टाइप होता है, यूबी टाइप मतलब यस टाइप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, और ऐसा ही बोले तो नो टाइप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इनका पॉइंट कौन सा होगा? एसआई का 3 नंबर का पॉइंट होगा और यूबी का 65 नंबर का पॉइंट होगा। एक आइस का ले लेते हैं, आइस प्रॉब्लम, आइस प्रॉब्लम डी का 20 डी यू 20। यहां पे दर्द का विषय नहीं है, एनालॉजिक का TADIS स्टीम पॉइंट। डी डिस्टल पॉइंट कौन सा लेंगे? LI4 क्यूलिया LI4 फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी है। इन्फ्लुएशनल पॉइंट कौन सा लेंगे? यूबी 17। अब मैंने सारी चीज बता दिया हूं आपको, आप लोग स्ट्रीम पॉइंट LIV3 लेंगे। तो इस तरीके से आप ये सारे सीख सकते हैं, और ये हमारा 31 पॉइंट का हमारा 60 पॉइंट हो गया है। इसको हम एक हम इसका मैं आपको पॉइंट के लोकेशन और मेरिडियन मैं आपको भिजवा देता हूं, और नेक्स्ट अगर एक आधा वीडियो मैंने डाला तो प्रैक्टिकल निडलिंग का मैं वीडियो डालूंगा इसमें, तो हम उसमें भी उसका ट्रीटमेंट मेरे पास में जब पेशेंट इसका रहेगा तो मैं तुरंत लगाकर आपको इसका प्रैक्टिकल एक हाथ दो डिजीज का दे दूंगा। मैं आपको अभी पॉइंट के लोकेशन और मेरिडियन के पाथवे के वीडियो मैं आपको भिजवा दूंगा। ओके, धन्यवाद।